नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। सावन का अंतिम सोमवार आज, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। बिहार में शिक्षकों को मिला एक और नया टास्क। महिला फैन ने छुए MS धोनी के पैर, मिलकर हुई भावुक। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर लगा बधाइयों का तांता। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ऐसे छात्र अपना रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त यानी कि आज से 31 अगस्त 2023 तक अपने स्कूल से करवा सकते हैं। बता दें कि जिन विद्यार्थियों के द्वारा यह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा, वह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, यानी कि वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। मालूम हो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड के पोर्टल पर एक साल पहले 9वीं कक्षा के दौरान ही हो गया था, लेकिन कई छात्र ऐसे भी थे जो किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। ऐसे छात्रों के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक और मौका दिया गया है। सावन का अंतिम सोमवार आज, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। आज यानी कि 28 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार है। ऐसे में आज सुबह से ही मंदिरों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों के द्वारा सुबह से भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जा रहा। बता दें कि बिहार में मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में रात 12 बजे से जलाभिषेक शुरू किया गया। यहां लोग रात 10 बजे से ही लाइन में लगे थे। वहीं समस्तीपुर के विद्यापति मंदिर में भी 12 बजे रात से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। मालूम हो कि आज सावन के अंतिम सोमवारी के साथ प्रदोष काल का भी संयोग है। ऐसे में मान्यताओं के अनुसार आज का यह दिन बेहद ही खास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हुई थी, जो कि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है। वहीं इस साल मलमास के कारण कुल 8 सोमवारी रहा, जिसका आखिरी और 8वां सोमवार आज है। राजधानी में नो पार्किंग में गाड़ी लगाने वाले हो जाए सावधान। इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो नो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, क्योंकि अब नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने वाले लोगों का ई चालान काटा जाएगा। बता दें कि जहां जहां वाहनों की अवैध पार्किंग की जाती है, वहां वहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही कई जगह ऐसे भी हैं जहां स्मार्ट पार्किंग भी बनाए गए हैं। मालूम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अगर पहली बार अवैध पार्किंग के नियम का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माने के रूप में 500 रुपए देने होंगे, तो वहीं अगर दूसरी बार भी अवैध पार्किंग के नियम को तोड़ा जाता है तो जुर्माने के रूप में 1000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जाम को लेकर एक नंबर 9470630615 जारी किया गया है, जिस पर आप जाम में फंसने पर कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के रेगुलेशन टीम के द्वारा जाम को खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में शिक्षकों को मिला एक और नया टास्क। इन दिनों बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा कई अहम निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब शिक्षकों का एक नया टास्क दिया गया है, जिसके तहत अब शिक्षकों को हर दिन बताना होगा कि उन्होंने किस कक्षा में विद्यार्थियों को कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, ताकि विभाग को यह जानकारी हो कि शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को किस तरह के टॉपिक सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। बता दें कि रिपोर्ट संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष को तैयार करनी होगी और फिर उस रिपोर्ट को संबंधित प्राचार्य या PG विभागों को हेड को भेजा जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर समीक्षा के दौरान इसकी जानकारी ली जाएगी। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर लगा बधाइयों का तांता। अपना वजन कम करने के लिए खेलना शुरू करने वाले नीरज चोपड़ा के द्वारा रविवार को बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम स्वर्ण पदक कर एक बार फिर से भारतीयों को गौरवान्वित होने का मौका दिया गया है। ऐसे में अब उनके इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा गया है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर नीरज चोपड़ा ने भारतीय खेलों के इतिहास में एक और स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा। बुडापेस्ट में भाला फेंक फाइनल में उनका शानदार प्रदर्शन हमारे लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा एक उत्कृष्टता का उदाहरण देते हैं। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी पढ़ाएंगे स्कूलों में।
शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संस्थानों के प्राचार्य को निर्देश देते हुए कह दिया गया है कि अब राज्य सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्र इन स्थानों में जाकर कंप्यूटर विज्ञान आदि प्रयोगशाला का उपयोग करते हुए शिक्षा प्राप्त करेंगे। विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा पत्र भेज के जानकारी दी गई है कि वैसे संस्था जिनके पास अच्छे एवं उपयोगी उपकरण जैसे कि कुर्सी टेबल डेस्क आदि रखे हुए हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा वह नजदीक के स्कूलों में उपकरण भेजेंगे और साथ ही प्राचार्य शनिवार मुख्यालय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाने वाली समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ उपस्थित रहेंगे। पीजी कर रहे डॉक्टरों के लिए तेजस्वी यादव का नया फरमान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के विभाग की तरफ से तय किया गया है कि अब राज्य में पीजी कर रहे मेडिकल छात्र जिलों के सदर अस्पताल एवं चिकित्सा संस्थान में मरीजों का इलाज करने का काम करेंगे। बता दें कि पहले मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर सिर्फ अपने अपने मेडिकल अस्पताल में ही पढ़ाई के साथ साथ मरीजों के इलाज के गुर सीख रहे थे, लेकिन अब उनकी पढ़ाई और अधिक मजबूत हो सके इसको देखते हुए विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार अब पीजी रहे मेडिकल छात्र सरकारी अस्पताल में 3 माह के लिए तैनात होंगे और उनकी तैनाती रोटेशन के अनुसार सरकारी अस्पताल में की जाएगी। मालूम हो कि इस संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार के द्वारा बिहार के सभी कमिश्नर डीएम सिविल सर्जन राजकीय व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अधीक्षक बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। 65 सालों में पहली बार बिहार बिजली कंपनी को 422 करोड़ का हुआ मुनाफा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट प्रीपेड एनर्जी मीटर से बिजली स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के तहत राज्य के स्वामित्व वाली साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा पहली बार 65 सालों में इतिहास में 422.68 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया गया है। बता दें कि इस बारे में अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17,982 करोड़ रुपए का कुल आय में 41.57% का इजाफा दर्ज किया गया था, जबकि पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021-22 में यह मुनाफा 12,702 करोड़ रुपए था। SBPDCL के महाप्रबंधक अरविंद कुमार के द्वारा बताया गया कि जून 2022 के शुरुआती चरण में 1,13,754 उपभोक्ताओं के लिए AI आधारित OCR बिल्डिंग शुरू की गई और आज कुल 63.96 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 45 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं तक OCR कवरेज को बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन रजत सूद और स्वाति सचदेवा ने पटना में मचाया धमाल। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन स्वाति सचदेव और इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के विनर रजत सूद के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से खूब धमाल मचाया गया। दरअसल बीते दिन स्वाति सचदेव और रजत सूद को पटना के रविंद्र भवन में मेरी मंत्र इवेंट्स का आयोजन किया गया था, जिसमें बारी बारी से दोनों कलाकारों के द्वारा पटना के लोगों को खूब हंसाया गया। वहीं बीते दिन रविवार यानी कि छुट्टी के दिन होने के कारण मेरी मंत्र कार्यक्रम में लोगों की संख्या काफी अधिक थी। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर के अनुसार इस कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा फूड फेस्ट का भी आयोजन किया गया था और साथ ही दर्शकों के लिए कई तरह के गेम्स भी रखे गए थे ताकि वह बोर होने पर इसका फायदा ले सके। बिहार के युवा जॉब मांगने वाले नहीं देने वाले बने राज्यपाल। बीते दिन होटल मौर्या में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सिंपोजियम का शुभारंभ करते हुए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के द्वारा कहा गया कि हमारी प्रतिज्ञा है कि बिहार के बच्चे शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाएं, बल्कि बाहर के बच्चे यहां आएं और शिक्षा ग्रहण करें। इसके साथ उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह जॉब मांगने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बने। शिक्षा नीति में सुधार पर अमल करना काफी कठिन होता है। नई शिक्षा नीति 2020 में केवल किताबी ज्ञान नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि यह जड़ से जुड़ी हुई है। बिहार हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई और अन्य क्षेत्र। बीजेपी अध्यक्ष के आजादी वाले बयान पर सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया। बीते दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा एक कार्यक्रम में कहा गया था कि सही मायने में देश 1947 में नहीं बल्कि 1977 को आजाद हुआ है। वहीं अब उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के किसी बातों पर ध्यान नहीं देते, देश को आजादी कब मिली यह सभी को मालूम है। जिसे आजादी के बारे में मालूम नहीं है इसका मतलब है कि वह कितना इल्लीगल है। उन्होंने कहा कि उन सभी को छोड़िए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मालूम हो कि सभी बातें सीएम नीतीश के द्वारा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचने के दौरान कही गई। मुख्यमंत्री के बिना सीट बेल्ट लगाए घूमने पर भाजपा ने साधा निशाना।
एक तरफ जहां बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर तरह के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए कई घाटों का निरीक्षण करने के दौरान बिना सीट बेल्ट के गाड़ियों पर घूमती नजर आए। इसको लेकर अब बीजेपी के द्वारा सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह के द्वारा कहा गया है कि जब बाबा बागेश्वर पटना आए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो उन पर फाइन कर दिया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हैं तो आखिर कैमरे की नजर उन पर क्यों नहीं आई, उनका फाइन क्यों नहीं काटा जा रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, इससे सभी के बीच अच्छा संदेश जाता है। इंडिया का संयोजक बनने पर सीएम नीतीश का बयान। आज यानी कि सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इंडिया के संयोजक बनने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि वे संयोजक या कुछ और नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं यह बात बार बार कह रहा हूं और फिर से दोहराता हूं कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते काफी समय से ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की मुंबई बैठक में सीएम नीतीश को संयोजक का पद दिया जा सकता है, क्योंकि वे इस पद के सबसे बड़े दावेदार है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार की यह पहल है कि जिसके तहत सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हुए हैं। महिला फैन ने छुए एमएस धोनी के पैर, मिलकर हुई भावुक। इन दिनों सोशल मीडिया पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला धोनी के पैर छूते नजर आ रही, जिसके बाद एमएस धोनी ने उदारता दिखाते हुए अपने प्रशंसक का अभिवादन किया और उनसे हाथ भी मिलाया। महिला प्रशंसक ने पूर्व भारतीय कप्तान के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। बता दें कि तस्वीर में महिला फैन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी कि वे माही से मिलकर कितनी खुश है। मालूम हो कि धोनी भले ही सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय न रहते हो, लेकिन फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। उनके फैंस उन्हें काफी प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप, ICC वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.48 रुपए और डीजल 94.26 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.07 रुपए और डीजल 94.79 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.85 रुपए और डीजल 95.52 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए और डीजल कीमत 95.32 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.30 रुपए और डीजल कीमत 95.03 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है HK शर्मा, रंजीत मिश्रा, नुसरत बनू, गोनर शर्मा, उमेश ऋषिदेव, वर्षा कुमारी, मोहम्मद फहीम, कन्हैया कुमार, नन्नू गोलू कुमार, आरती कुमारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अमरेंद्र कुमार, रंगीला भान प्रकाश, सदुल्लाह पलवी, राजेश कुमार, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या सीएम नीतीश को इंडिया का संयोजक पद दिया जाना चाहिए या नहीं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।